साथ घना कोहरा, तो घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम हो गई है। कोहरे से वाहन चालकों को काफी परेशानी हो रही है। ठंड और कोहरे से स्कूल के बच्चे भी काफी ज्यादा परेशान हुए हैं, क्योंकि स्कूल चल रहे हैं और ऐसे में अब ठंड जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। इस बीच कोहरा जो है वो छाया रहता है सुबह के वक्त, जिसकी वजह से विजिबिलिटी जो है सड़कों पर वो कम हो जाती है, वाहनों की रफ्तार धीमी हो जाती है। कई जगहों पर ये कोहरा जो है हादसे का सबब भी बन जाता है। तो ठंड और कोहरे के दस्तक, और अब स्थिति यहाँ पर यह है कि सड़कों पर आप देख सकते हैं कि वाहनों की धीमी रफ्तार, कई जगह पर जाम की स्थिति लग जाती है। स्कूली बच्चे जो हैं, जो कि सुबह सुबह स्कूल के लिए निकलते हैं, उन्हें काफी दिक्कतें यहाँ पर होती हैं। तो ठंड और कोहरे से स्कूल के बच्चे भी काफी ज्यादा परेशान है। यमुनानगर में ठंड के साथ घना कोहरा जो है वो छाया हुआ है। घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम हो गई है, ये इस वक्त की बड़ी खबर। कोहरे से वाहन चालकों को भी काफी परेशानियां हो रही हैं। तो ठंड और कोहरे से स्कूल के बच्चे भी काफी ज्यादा परेशान हैं। यमुनानगर में ठंड के साथ घना कोहरा जो है वो छाया हुआ है। घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी काफी कम हो गई है। कोहरे से वाहन चालकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ठंड कोहरे से स्कूल के बच्चे भी काफी ज्यादा परेशान हैं। यमुनानगर में ठंड के साथ घना कोहरा छाया हुआ है। सरजीत बाबा संवाददाता यमुनानगर से हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सरजीत, ठंड की दस्तक और ऊपर से कोहरा, काफी ज्यादा परेशानी जो है वो यहाँ पर बनी हुई है, खासकर स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए अमूमन सुबह। बिल्कुल, जैसे मैं बता दूं कि आज पहला दिन है जब से सर्दियों का मौसम शुरू हुआ है, पहला दिन है कि इतनी धुंध, इतना कोहरा जो है वो आज देखने को मिला है। और जो आने जाने वाले बच्चे, स्कूल आने जाने वाले बच्चे हैं, ड्यूटियों पे जाने वाले लोग हैं, उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गाड़ियां भी जो है बहुत धीरे धीरे चल रही हैं और फॉग लाइट जलाने के बाद उनको जो है चलाया जा रहा है, क्योंकि इतना विजिबिलिटी जो है बिल्कुल अगर देखा जाए तो 10 फुट भी आगे जो है दिखाई नहीं दे रहा। और आज इतना ज्यादा कोहरा है जिसको लेकर बच्चों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि एक तो ठंड है ऊपर से कोहरा है, तो इसको लेकर जो है काफी दिक्कत जो है वो देखने को यहाँ जो है मिल रही है यमुनानगर में जी। जाहिर तौर पर सड़कों की अगर यहाँ पर बात की जाए सरबजीत, ऐसे समय में काफी ज्यादा जाम लगने की स्थिति बन जाती है, एक्सीडेंट जो है वो यहाँ पर हो जाते हैं। अब ऐसे में प्रशासन की तरफ से इसको लेकर भी कुछ मुहिम यहाँ पर चलाई जा रही है, खासकर सड़कों पर। जी बिल्कुल, जैसे अब मौसम जो है वो कोहरे का आने वाला है, आगे जैसे ही धुंध बढ़ती जाएगी उसको लेकर जिला प्रशासन द्वारा एडवाइजरी भी जारी की गई है कि अपने वाहनों को दिन में भी और रात में भी अगर कोहरे की ये दस्तक है तो जो फॉग लैंप है वो जलाकर चले, डिपर जलाकर चले, और वहीं जो सड़कें हैं उनके ऊपर भी सुधारीकरण का काम चल रहा है, उनके ऊपर व्हाइट पट्टी और येलो पट्टी जो है वो लगाई जा रही है, ताकि किसी तरह की किसी भी एक्सीडेंट से बचा जा सके। जो वाहन चालक है उनको विशेष रूप से हिदायत दी गई है कि वो जो रात के अंधेरे में अगर फॉग है तो ना निकले, लेकिन अगर बहुत इमरजेंसी है तो डिपर का जरूर इस्तेमाल करें रात के समय भी, और दिन के समय भी जो है धुंध है तो उसमें भी डिपर जरूर इस्तेमाल की जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सरजीत बाबा इस तमाम जानकारी के लिए। तो यमुनानगर में ठंड के साथ घना कोहरा छाया हुआ है, घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी काफी कम हो गई है, लोगों को दिक्कतें हो रही है, कोहरे से वाहन चालकों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।